बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में अदम इसकाम की सिचुएशन है। डॉलर डबल सेंचुरी भी क्रॉस करके 201 रुपये का हो गया है। मौजूदा हुकूमत से कई तवक्कुआत हैं अवाम को। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ साहब ने आते ही कई ऐलानात किए कि मैं कपड़े बेच दूंगा और अवाम को रिलीफ दूंगा, आटा सस्ता करूंगा, फिर ऐलान भी हुए, लेकिन ग्राउंड पर अभी तक समर अवाम तक नहीं पहुंचा। ये ऊंट किस करवट बैठेगा? दूसरी जानिब हमने देखा कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और जिसको आजादी हकीकी मार्च कहा जा रहा है, तो उस पर भी हमने देखा कि लास्ट नाइट पकड़ धकड़ हुई और मेंबर पार्लियामेंट को घरों से उठाया गया और इस लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से। और कहा जा रहा है कि पीटीआई के जो लोग हैं उनके पास वेपन्स हैं, उनके पास असलाह है, डंडे हैं, वो हालात खराब कर सकते हैं, इसलिए कानून हरकत में आया है। फिर हमने देखा एक नाखुशगवार वाकया भी गुजरा लाहौर में, इन्हीं छापों के दौरान कांस्टेबल कमाल भी शहीद हो गए और आलम यह था कि उस कांस्टेबल शहीद पर पीटीआई की तमाम लीडरशिप इंक्लूडिंग काफ लीग किसी ने मजम्मत तक नहीं की। अलबत्ता उसको ये तक कहा गया कि ये कोई शहीद नहीं है, ये तो डाकुओं के जमरे में आता है। तो बड़ी तश्वीशनाक पोजीशन है। 25 तारीख कल है, कल ये लॉन्ग मार्च, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हम जरूर जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ, तो फिर से ये अगर ये लॉन्ग मार्च कल ये रवा दवा होता है, तमाम इस्लामाबाद और गिरदोनवा के रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं, कंटेनर लगा के हुकूमत की जानिब से, इन तमाम सिनेरियो में बिजनेसमैन क्या सोच रहा है, उसकी क्या तवक्कुआत हैं हुकूमत से, माजी में हुकूमतों ने कितना एंटरटेन किया, पाकिस्तान की मईशत कैसे दुरुस्त सिमत लाई जा सकती है, कोशिश होगी कि हम उस पर भी बात करें। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आप मारूफ बिजनेसमैन हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप चेयरमैन हैं राइस एक्सपोर्ट कमेटी FPCCI के और आपका बड़ा मोतबर नाम है रफीक सुलेमान साहब। रफीक साहब आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। रफीक साहब सबसे पहले मैं आऊंगा कि आपके इल्म में है कि 201 तक जाके डॉलर पहुंचा, एक्सपोर्ट की क्या पोजिशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सईद साहब बहुत बहुत थैंक यू, आपने यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए बुलाया। देखिए डॉलर जो है ना वो 201 क्रॉस कर चुका है और इस वक्त सूरत हाल बिजनेसमैन की बड़ी तश्वीशनाक है क्योंकि कंट्री बेसिकली इंपोर्ट बेस हो चुका है और इंपोर्टेड चीज़ें सारी बहुत महंगी हो गई हैं। उसके अलावा अभी फिर गवर्नमेंट ने व्हीट इम्पोर्ट करने की ऐलान किया है, तो व्हीट आएगा तो उससे भी हमारे बहुत सारे डॉलर जाएंगे और तो ये बेसिकली टोटली इम्पोर्ट की तरफ जो है ना वो कामजन है, जबकि हमें एक्सपोर्ट की तरफ देखना चाहिए कि एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ सकता है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो अपनी इंडस्ट्रियां ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो ही एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कॉटन के ऊपर हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा, हमारी कॉटन की फील्ड के अंदर जो यील्ड है वो कम है, उसको बढ़ानी पड़ेगी। बैनुल अक्वामी जो हील्ड है, मतलब जो कॉटन प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं, हमें उसके मुकाबले में आना पड़ेगा और ये जब तक हम अपनी हील्ड नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज क्या है हमारा कंट्री जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और एग्रीकल्चर के अंदर रकबा जो है वो तो हमारा महदूद रकबा है, रकबा तो हमारा बढ़ नहीं सकता, जितनी हमारी मुल्क की डायमेंशन है हम उसके आगे जा नहीं सकते। तो जो हमारी इस वक्त क्रॉप है हम उसको किसी तरीके से उसके ऊपर हम रिसर्च करें और किसी तरीके से हम अपनी हील्ड बढ़ाएं ताकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट के फिगर्स बढ़ रहे हैं, तो एक्सपोर्ट के फिगर्स में मैं ये समझता हूं कि हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, ये फ्रेट इतने ज्यादा हो गए हैं बाई सी के कि आप अंदाजा करें जो $600 का कंटेनर था वो $4,000 पे चले गया है। तो बेसिकली हम C&F माल बेचते हैं तो ये डॉलर हमारे फ्रेट की वजह से ज्यादा आया है। फ्रेट तकरीबन हमारा 25% 30% इस हमारी एक्सपोर्ट की वैल्यू के अंदर शामिल है, तो अगर हम अपनी एक्सपोर्ट को 25% माइनस कर दें, फ्रेट के पैसे निकाल दे तो बैक टू स्क्वायर वन, हम पहले की जगह वहीं खड़े हुए हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी जो मेजर हमारी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं हम इसके ऊपर हील्ड बढ़ाएं और इसकी एक्सपोर्ट हम ज्यादा से ज्यादा करें ताकि फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास ज्यादा आए।
डॉलर बढ़ाने से मैं नहीं समझता कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, बल्कि हमारे असासे कमजोर होंगे और हमारे मुल्क के ऊपर एक कर्जे जो हैं वो पाक रूपीज के अंदर और मजीद बढ़ जाएंगे, जिससे हमारा मुल्क जो है ना वो कमजोर पड़ेगा। तो कुछ एडवाइस करेंगे मौजूदा हुकूमत को, आम आवाम को रिलीफ कैसे दिया जाए अशिया खुर्दनोश से लेके, अब तो ये चेमागोइयां हैं कि जैसे इमरान खान साहब कह रहे थे कि चंद हफ्तों की दूरी पर हैं, कहीं हम श्रीलंका बनने तो नहीं जा रहे, तो बींग बिजनेसमैन आप क्या तजवीज देंगे? नहीं, श्रीलंका जो है वो एक बहुत छोटा कंट्री है और खुदा ना खासा हमारे मुल्क में भी बहुत पोटेंशियल है, लोग बहुत हिम्मत वाले हैं और हमारे कंट्री के अंदर बहुत ही अभी ताकत बाकी है हमारे लोगों के अंदर, और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूं कि हम सब अगर एक मुत्तफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम खड़े हो जाएं तो हमारा कंट्री सीधा हो सकता है। इस वक्त सूरत हाल हमारी सियासी बुरी तरीके से मुतासर है, सियासत ने हमको बहुत मुतासर किया हुआ है। देखें, इस तरीके से अगर लॉन्ग मार्च आ गई, शहर बंद हो गया, तो कारोबारी आदमी तो बिल्कुल मफलूज हो जाएगा और बड़ी मुश्किल से हम लोग जो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हम पूरे नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं समझता कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा, मुकामिल नहीं है हमारा मुल्क। देखें, जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने 3-4 साल गुजारे अपने, तो उनको बहुत कुछ करना चाहिए था, तो वो कुछ जो कंट्री की बेटरमेंट के लिए, जो एक राइट ट्रैक के ऊपर हमारी कंट्री चलनी चाहिए थी, वो नहीं चली। और जो हम आपके शो के ऊपर या टेलीविजन पे या सोशल मीडिया पे हम देख रहे होते हैं, जो सीनियर्स हम लोग जिनके तबसरे सुन रहे होते हैं, मेजोरिटी लोगों का कहना यही है कि ये थोड़ी रिवेंज की तरफ चले गए थे, जिसकी वजह से ये डेवलपमेंट की तरफ नहीं आ सके। तो अगर डेवलपमेंट की तरफ कोई भी गवर्नमेंट आती है यहाँ पे, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब अभी जो नए हैं शहबाज शरीफ साहब, वो आए, उन्होंने सोलर के ऊपर 17% सेल टैक्स पिछली गवर्नमेंट लगाया था, उन्होंने आती वेव कर दिया, तो इससे सोलर जब हमारे यहाँ पे आ जाएगा यकीनन, तो हमारी बिजली जो है वो पेट्रोल जो है हमारा फर्नेस जो है वो कम यूज हुआ करेगा। तो ऐसी ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट लेकर के आए, पिछली गवर्नमेंट ने कुछ अच्छी पॉलिसियां भी लेकर आई थी, जैसा कि उन्होंने LTF बहुत सारे पैसे दिए थे हमारी इंडस्ट्री को कि भाई आपको अगर कोई मशीनरीज लगानी है तो गवर्नमेंट पैसे देने के लिए, सस्ता पैसे देने के लिए सब्सिडी के रेट के ऊपर तैयार है। वो बहुत मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एकदम था और उससे हमारी टेक्सटाइल के अंदर काफी सारा बूम आया और लोगों ने बहुत सारी नई मशीनरीज इंपोर्ट की, और इंपोर्ट करने के साथ फिर जाहिर बात है उस मशीन की प्रोडक्शन पुरानी मशीन में और नई मशीन में आप समझते हैं कि प्रोडक्शन के अंदर बहुत फर्क होता है, तो नई मशीन प्रोडक्शन भी अच्छी निकालती है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और इंटरनेशनल यूरोप के अंदर अमेरिका के अंदर हमारे फिर उस वो प्रोडक्ट हम अच्छी तरीके से बेच सकते हैं। अच्छा रफीक सुलेमान साहब, हमने देखा कि साबिका हुकूमत साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की क्यादत में चल रही थी, जो कि तहरीक अदम एतमाद से हुकूमत गिराई गई, उनका ज़्यादा जो जोर था वो ओवरसीज पाकिस्तानीज पर था और उनकी ख्वाहिश भी थी कि यहाँ पे बाहर से इन्वेस्टर आएँ और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाएं। NOCs का और डिफरेंट इशूज़ हैं सूबाई और वफाकी हुकूमतों के दरमियान, अगर सिंध की हम बात करें तो क्या आसानियाँ अब हुई हैं या कि आपको लगता है कि जूं का तू है मामला? देखें, हमारे यहाँ पे जो सबसे पहले तो ओवरसीज पाकिस्तानी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री के अंदर। इस वक्त मैं समझ रहा हूँ कि तकरीबन $2.8 बिलियन मंथली या $2.5 बिलियन मंथली हमारे पास आ रहा है। अगर आप ₹2.5 अरब आप कर लेते हैं साल महीने के आ रहे हैं, तो जितना हमारा एक्सपोर्ट का फिगर है कमोपेश हमारा इतना फॉरेन रेमिटेंस हमारे पास आ रहा है। तो फिलहाल तो हमें अपने नेबरिंग कंट्रीज जिससे हमारे बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं या जो हमारे फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे, हमें उन्हें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्ट करके वहां पर उनको नौकरियां दें, चाहे वो लेबर तबका हो, चाहे वो अकाउंट्स के अंदर हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के अंदर हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर के अंदर हो, IT के अंदर हो। तो ये किसी भी तरीके से हम जितने अपने पाकिस्तानी लोग बाहर अपने एक्सपोर्ट करेंगे तो जाहिर बात है वहां पर वो करेंगे और वहां से अन करके हमारे पास वो पैसा भेजेंगे पाकिस्तान, जिससे हमारा मुल्क खड़ा रहेगा। तो ये तो एक सबसे छोटा सा ये मामला है जिसको अगर हमारी समझता हूं इसमें 100% हमारा फायदा होगा। आज जितने पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं अगर उससे 50% भी ज्यादा चले जाते हैं तो हमारा कंट्री का जो डेफिसिट है वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा हम काम करें कि हमारे जितने से अच्छा मजे की बात यह जब हमारे पास कोई क्वेरीज आती है एम्प्लॉयमेंट की तो उसके अंदर वो बेचारा नीचे ऊपर पैसे के ही थक जाता है। तो मैं समझता हूं कि जो भी क्वेरी आए हमारे यहाँ पे, जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस इंपोर्ट करना चाहते हैं उसके अंदर साफ शफाफ होना चाहिए, एक पैसे की अंडर टेबल, एक पैसे की रिश्वत नहीं होनी चाहिए। बेचारा गरीब वैसे ही वहां जा रहा है, ऊपर से वो रिश्वतें वहां पे दे और रिश्वत देने के बाद फिर वो बाहर ममालिक जाए, पहले कमाए रिश्वत के पैसे पूरे करे, फिर बाद में अपना पेट पाले, फिर अपने घर पे पाले, फिर अपनी कंट्री को पैसे दे। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को
इसके ऊपर बहुत सख्ती के साथ एक्शन लेना चाहिए कि इसके अंदर कोई भी अंडर द टेबल ना चले और ईमानदारी के साथ सीधा सीधा यहाँ से हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सपोर्ट हो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जबरदस्त सर, आप फॉर्मर चेयरमैन भी हैं रीप के, कुछ बात कर लेते हैं राइस की। क्या बेहतरी आई है? हमने देखा माजी में टड्डी दिल के हमले हुए, बहुत सारे पानी के मसाइल भी रहे काश्तकारों को, इस पे क्या कहेंगे, किस तरह मजीद इसको इम्प्रूव करना है? देखिये, चावल इस वक्त जो है ना अल्लाह की रहमत से बहुत अच्छा हमने एक्सपोर्ट किया है। हमने जो हमारा टारगेट था 2.5 बिलियन डॉलर का, वो अभी 30 जून पे था, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम आज पूरा कर चुके हैं। और जो हमारा 4 मिलियन टन हमारा एक्सपोर्ट करने का इरादा था, हम उसको भी आगे कर चुके हैं, क्योंकि पिछले साल हमारे यहाँ क्रॉप अच्छा हुआ था और इस क्रॉप की वजह एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी थी और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने भी हमारा साथ दिया, प्लांट प्रोटेक्शन ने भी हमारा साथ दिया और हमें मौका दिया कि भाई हम कुछ प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी कुछ काम करके दिखाएं। तो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर हाइब्रिड सीड लोगों ने अपनी मदद आप इंपोर्ट किया, जैसा कि हमारे यहाँ पे लीडिंग हमारे हाइब्रिड सीड इंपोर्टर हैं, गार्ड राइस वाले, मुगल सीड वाले, कुशाल किसान वाले, मैस्के वाले, ये सब हमारे लीडिंग हाइब्रिड इंपोर्टर्स हैं। तो इन्होंने हाइब्रिड सीड अपनी मदद आप लेके किसानों को दिए और फिर उसके बाद हाइब्रिड की जो है ना हील्ड वो काफी अच्छी आती है। कन्वेंशन हील्ड इस वक्त हमारी 45 to 60 मंथ पर एकर आ रही है, सिंध की मैं बात कर रहा हूँ और नॉन बासमती 86 की बात कर रहा हूँ, और जबकि हाइब्रिड लगाते हैं तो ये तकरीबन मिनिमम 90 से लेकर 120-125 मंथ तक जाती है। तो ये हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट क्रॉप डबल हो सकता है। और उसके साथ साथ हमने मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग की तरफ भी हम लोग चले गए, उसमें भी हम अपनी मदद आप काम कर रहे हैं कि अपने हमने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं और अभी उसके ऊपर ड्यूटी और कुछ टैक्सेस भी लगा दिए हैं। तो मैं आपके चैनल से कहूंगा कि भाई ये जो राइस ट्रांसप्लांटर्स हैं हमारे या जो भी एग्रीकल्चर हमारी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर फिल फॉर जो है फौरी तौर पर टैक्स और जीएसटी खत्म किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा मशीन हमारे यहाँ पे आए। आज मैं मशीन मंगवाता हूँ और मुझे देख के कोई छोटा फार्मर भी मंगवा लेता है तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा ये हमारी कंट्री के अंदर कि जो दुनिया के अंदर फार्मिंग की जा रही है मैकेनिकल प्लांटिंग के तरीके से, हम उसी तरीके के ऊपर चले ना। हमारे पास एग्जांपल्स है, हमारे पास थाईलैंड का एग्जांपल है, हमारे पास वियतनाम का एग्जांपल्स है, हमारे पास चाइना का एग्जांपल्स है, ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर है राइस के, बड़ी कंट्रीज हैं ये। तो ये जो काम करें हमें वही काम करना चाहिए और इस वक्त हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज है, हमारी राइस इस वक्त पूरे दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट हो रही है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे लोगों ने लेटेस्ट मशीनरीज लगाई हुई है और लेटेस्ट सॉटेक्स मशीन लगाए हुए हैं और हम लोग बहुत स्पीड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने एक्सपोर्ट के ऑर्डर पूरे करते हैं। तो दिक्कत जिन चीजों में है, जिस तरह आपने टैक्सेस की बात की, तो मौजूदा हुकूमत काफी संजीदा नजर आ रही है और आपने देखा कि मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा और आईएमएफ से कोई अच्छा पैकेज लेने की उन्होंने बात की। आपको लगता है कि ये जो साल डेढ़ साल का अरसा है इस मौजूदा हुकूमत का, जो कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम की क्यादत में चल रही है, कुछ समर आवाम को मिलेगा, चाहे पेट्रोल की प्राइसेस हो या जिस तरह आप राइस को देख रहे हैं? हमने देखा माजी हुकूमत में कंस्ट्रक्शन को एमनेस्टी दी गई, कुछ बेहतर हो पाएगा? देखिए, पेट्रोल का प्राइस पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त ऊपर है। हम बाहर अभी गए थे एक जगह पे तो तकरीबन 1.50 सेंट का एक लीटर मिल रहा था डॉलर का, तो अगर हम उसको यहाँ कैलकुलेट करें आज 200 रुपए का डॉलर तो सीधा 300 रुपए का, और लोग पिन ड्रॉप साइलेंट वहां भरवा रहे हैं और ये एस्टेब्लिश कंट्रीज के अंदर है। मगर ये बड़ी तश्वीशनाक है, अगर इनको भी जो बकाया टाइम इनको मिला हुआ डेढ़ साल अगर ये सुकून से काम करें और इनके ऊपर कोई पॉलिटिकली खेचतान ना हो तो मैं समझता हूँ ये भी परफॉर्म कर जाएंगे और अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल जो है वो एक कारोबारी जहन रखते हैं और इनका फैमिली पूरा बिजनेस ये अप्स एंड डाउन समझते हैं कि किस तरीके से काम करना चाहिए। और लास्ट टाइम जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो भी उन्होंने काफी मेहनत करके डॉलर को संभाल के रखा था। कि आप एक मारूफ बिजनेसमैन हैं और तमाम ही जो फाइनेंस मिनिस्टर या कई भी हुकूमतों की जितनी भी शख्सियात रद्दबदल होती है, आपके रवाबित उनके साथ हैं, मरासिम हैं, मिलके आप लोग मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में काम कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि साबिक हुकूमत और साबिक फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन उन्होंने नाम लिया कि वो लोग बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं और हमने वो तमाम चीज़ें फेस करनी हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि वो जो डॉक्यूमेंट है, जो मुआहदे किए गए आईएमएफ के साथ, वो पब्लिक क्यों नहीं किए जाते? आपको क्या लगता है वो पब्लिक ना करने, अवाम तो बड़े एक अभाम का शिकार है कि ये सही कह रहे हैं
या कि माजी वाले सही कह रहे थे, माजी की हुकूमतें कह रही है नहीं जी हमने तो सब्सिडी की मद में 21 अरब डॉलर तक हमने रखे थे, ये लोग कह रहे हैं कोई पैसा नहीं है, तो बींग अ बिजनेसमैन आप क्या तजवीज करेंगे इनको? जी मेरा ख्याल है कि बिल्कुल इनको पब्लिक में लाना चाहिए वो डॉक्यूमेंट अगर है, क्योंकि आईएमएफ के साथ तो इनको मुजाकरात कर रहे हैं, और अगर ये कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट ऑलरेडी साइन कर चुकी थी ये कॉन्ट्रैक्ट, नाउ दे हैव टू ओनली इंप्लीमेंट, दे डोंट हैव एनी चॉइस, तो इनको मैं समझता हूं कि पहली फुर्सत में पब्लिक करना चाहिए, अगर मैंने कोई गलत काम किया है और मैं गवर्नमेंट में हूं तो मुझे बताना चाहिए, लोग मुझे मेरी निशानदेही करें कि भाई मैंने गलत काम किया है, और अगर आप समझते हैं मिस्टर इस्माइल साहब समझते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन हो चुका है तो इनको पब्लिश करके बताना चाहिए वो ये क्यों पिछली गवर्नमेंट का दर्जा सर अपने सर पे ले रहे हैं, अगर उन्होंने किया है, और अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर ये बातें करना मैं समझता हूं कि अच्छा नहीं है, या तो वो पब्लिक कर दें, आवाम को दिखा दें कि इन शरायत पर माजी की हुकूमत करके गई थी, करके गई है, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं, अगर शौकत तरी सामने साइन किया हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट तो पब्लिश करना चाहिए इनको, इनको अपनी पोजीशन सही करनी चाहिए, और अगर पीटीआई ने किया हुआ है तो उनको भी अपनी पोजीशन सही करनी चाहिए, पीटीआई वाले कहते हैं कि नहीं हमने कोई इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, दूसरे पर ये ब्लेम चल रहे एक दूसरे के ऊपर जो कि नहीं चलना चाहिए, जिससे इसकी वजह से देखें सारा बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त परेशान है, लोग इस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, मैं बताऊं आपको कि डॉलर्स यहां पे इस वक्त नहीं आ रहे हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हुए हैं उन्होंने डॉलर को देखा उछलते कूदते कि किस तरीके से 180 रुपए 181 जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई तो उस वक्त डॉलर 188 रुपीज 50-90 पैसे का था, आप कह सकते हैं 189 रुपीज का था, और जैसे ही पीटी नवाज शरीफ की हुकूमत आई नून की मुस्लिम लीग नून की तो वो 180 रुपीज 30 पैसे तक चले गया, मगर फिर वापिस ये बढ़ता रहा तो ये ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर बैठ के देख रहे हैं कि ये 181 रुपए का मैं आज भेजूंगा तो 181 रुपए मिलेंगे, और आज ये भेज रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने के अंदर 20 रुपया डॉलर जंप कर गया है, बिल्कुल ऐसा ही 20 रुपया इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, ये तकरीबन आप समझ लें कि 22 अच्छे खासा इसका परसेंटेज बनता है, 15-20% अगर ये ऊपर हो गया है तो फिर कोई भी बाहर आदमी इस वक्त डॉलर भेजते हुए सोचेगा, तो हमें इस सोच को खत्म करना है, और आप डिसाइड कर लें कि डॉलर की असल वैल्यू क्या है, और आप एक मरतबा ऐलान कर दें कि भाई इंपोर्टर को भी पता चल जाएगा कि ये मेरी वैल्यू है, ताकि वो अपनी पोजीशन बना ले इस डॉलर के पैसों से, और एक्सपोर्टर भी बना ले, आज मैं आपको गारंटी से कहता हूं कल सुबह की मार्केट के अंदर 201 रुपए आज 40 पैसे का डॉलर बंद हुआ है, कल गवर्नमेंट कर दे 198 रुपीज, सुबह 198 कर दे, सारे एक्सपोर्टर जितने भी हैं वो सब डॉलर बुक करवा लेंगे आपके एक सेकंड के अंदर, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो तेजी के साथ पैसा भेजेगा, उसको डर लगा रहेगा कि वो पैसा नीचे जाएगा, और हमारे मुल्क के अंदर ये 200 रुपए का डॉलर नहीं होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, हमारी कंट्री कोई ऐसी भी उठाईगिरी नहीं है कि हम इस तरीके से कर ले, तो ये सियासी जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसके अंदर मामला चल रहे हैं, पहले भी मुल्क के सखायर इतने थे बहुत सालों तक, और इसके अंदर कोई ऐसा भी मामला नहीं था, दिवालिया हो जाता, कुदरती वसाइल से मालामाल है हमारा मुल्क, और मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और रफीक सुलेमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि राइस इंडस्ट्री ने कितना बेनिफिट दिया है इस साल पाकिस्तान को। जी रफीक साहब, चूंकि आप वसी एक्सपीरियंस रखते हैं, कई उहदों पर आप फायज हैं और बहुत सारे लोग आपसे मुंसलिक हैं, कुछ बताएंगे कि आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही हैं? जी हमारी राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, हमने इस दफ़ा चेयरमैन पंजाब से लिया था अली उसाम को, और कराची से हमारे पास सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद अनवर मियानूर हैं, इन्होंने मिलकर बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, और जो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि हमने टारगेट वक्त से पहले अचीव कर लिए हैं, कि इस वक्त हम तकरीबन 2.5 अरब डॉलर की हमने एक्सपोर्ट कर ली है, 4 मिलियन टन से ज़्यादा हमने एक्सपोर्ट कर लिया है, मोर देन 115 कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान का चावल जा रहा है, और कुछ कंट्रीज के ऊपर बैंड है तो उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलके हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिको वगैरह पे और रशिया वगैरह पे जो हमारा काम बाकी रह गया है उसको हम पहली फुर्सत में पूरा करके, ताकि वहाँ से भी हम जो जितना भी फॉरन एक्सचेंज हम अर्न कर सकें वो हम अर्न करके अपने मुल्क पाकिस्तान को पाकिस्तान में लेके आएँ।
तो हुकूमतें आपको कितना सपोर्ट करती हैं? इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सुलेमान साहब, अब्दुल समद याकूब साहब ने, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अब्दुल समद याकूब साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी शुक्रिया सर। ये क्या हुआ कि इजाजत भी थी और आप जा भी रहे थे, कई अरसे से आपके ऐलानात थे, फिर अचानक हुकूमत की जानिब से पकड़ धकड़ हुई जिसमें एक कांस्टेबल शहीद भी हो गए और आप उसको शहीद मानने के लिए भी तैयार नहीं है, आगे क्या होने जा रहा है सर, कुछ बताएंगे? लेकिन सबसे पहली बात तो एक निहायत अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जो एक कांस्टेबल जो है शहीद हुआ है, जो भी ड्यूटी पे जो है अलकार शहीद हो गया, भले वो फोर्स की सफों से हो या भले वो पुलिस की सफों से, उसको शहीद ही माना जाएगा। लेकिन उसके जो पीछे जो उनको ऑर्डर, क्योंकि वो तो एक ऑर्डर का पाबंद है, हमने तो जिस बात की मजम्मत की है वो उन अवामिल की है जिन्होंने, उन हायर अप्स की है जिन्होंने, जिनके ऑर्डर के ऊपर वो चल रहे थे, उसमें पुलिस वाले का तो कोई कसूर नहीं था। और बहरहाल ये कि उसकी भी मजम्मत करते हैं, उस एक्ट की भी, जिसने गोली चलाई, भले वो अगर ये प्ली लेके उसने सेल्फ डिफेंस में चलाई। अच्छा समर साहब, आप इसकी मजम्मत कर रहे हैं लेकिन जो आपकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप है वहां से मजम्मत नहीं आई, ये खासा अफसोस नहीं? खान साहब ने भी उस बात का, खान साहब ने इस बात का जिक्र किया अपने इंटरव्यू में। और देखिए, जो ड्यूटी पर मौजूद एहलकार होता है वो ये बात समझने की है कि वो ऑर्डर का मातहत होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर ऑर्डर तो उसको गलत मिले या सही मिले, ये एक अलग फैसला है कि अगर आप सियासी कारकुनान के घर या लीडरान के घर अगर आप इस तरीके से ऑर्डर करेंगे तो हम उस ऑर्डर को तो गलत जरूर कहेंगे, उस ऑर्डर की मजम्मत करेंगे, लेकिन जो उन ऑर्डर के मातहत जो सिपाही हैं वो अगर उन ऑर्डर को कार लाते हुए अगर वो उस पर अमल करते हैं तो हम उस अमल करा होने पे उसको कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि वो तो मातहत है बेचारा, उसका तो ड्यूटी है उसकी। ऐसा ही है। और उसने अपने फराइज मनसबी सर अंजाम देते हुए जो है वो शहीद हुआ है। ऐसा ही मैं इस बात की भी मजम्मत करता हूँ कि जिस तरह से सेल्फ डिफेंस में ये बात कही गई है कि पुलिस एहलकार अगर अंदर घुस भी रहा था, अगर उसका ये अमल गलत भी था, तो पुलिस की तरफ से अगर फायरिंग नहीं की गई तो ये कहना भी गलत है कि ये कोई सेल्फ डिफेंस है। मैं उस मेजर रिटायर्ड की जो है ना बिल्कुल हिमायत नहीं करता, क्योंकि जहरी बात है कि अलकार शहीद होता है तो उसके भी तीन बच्चे थे और ये मामला जो है ये और दूसरे तरीके से भी इसको अच्छा ठीक है अब्दुल ठीक है समद साहब। आगे मरियम नवाज साहबा कह रही है कि आप लोग वेपन डंडे और बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं आपके लोग, तो ये इल्जाम है या वाकई आप लोग भी भरपूर तैयारी से आ रहे हैं? देखें, ये जब अभी कोई काफिला निकला नहीं है, जब ये उनको इस, हम तो पहले भी आते रहे और हमने कब कौन से जलसों में कौन से वेपन लहराए हैं या कौन सी हमारी कोई मिलिटेंट विंग है कोई पीटीआई का जिसमें इनको ये लगाओ कि हम ये लेके आएंगे या हमने ये कुछ करना है इस तरह से, ये तो सरासर इल्जाम है। जब आप की सियासी हैसियत ये हो कि अपने गढ़ में ओकाड़ा में जब आप चार एमएनए और चार एमपीए के होते हुए जलसे आपको कैंसिल करने पड़ जाए और नितामत उठानी पड़े, तो फिर आपको जारी बात है इल्जाम के अलावा और आपके पास कोई ऑप्शन रह नहीं जाती। फिर अगर कोई वेपन ला भी, एक मिसाल के तौर पर उसकी बात को अगर दुरुस्त मान लिया जाए, तो जब तक कि कोई क्राइम कमिट नहीं होता आप कैसे कह सकते हैं कि उनके अजाई ये थे? यानी कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने पुरमन रैलियां निकाली, हमने दर्दे पहले भी दिए, कोई इस तरह का कोई वाकया पेश नहीं आया। ठीक है। और दूसरी बात ये कि इजाजत नामा तो एक फंडामेंटल राइट है किसी भी सियासी जमात का, किसी भी एक शख्स का एहतजाज एक फंडामेंटल राइट है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली एक इजाजत की जरूरत पड़ती है। वह तो बामे गुजर भी हमने किया कि हमने डीसी को, लेकिन समर साहब इस चीज को इंडोर्स करेंगे कि मुल्की मईशत आपके सामने है और आपको एक आईनी तरीके से बाहर भी किया गया और हुकूमत आपसे डायलॉग के लिए भी मुमकिन है कोशिश कर रही होगी, लेकिन आप बदजिद हैं कि इलेक्शन कराओ वरना हम लॉन्ग मार देंगे, और फिर आप ये भी नहीं बता रहे कि हम कितने दिन बैठेंगे, हम बैठ ही जाएंगे। लाने की उस वक्त कोशिश कर रहे थे बैरूनी साजिश के तहत, तो उनको ये पता होना चाहिए था कि जब आप सियासी अदम इस्तेकाम लाते हैं और इस तरीके से रजीम चेंज करते हैं तो इसका मुल्क की फ्रेजाइल इकोनॉमी के ऊपर सबसे ज्यादा असर ये पड़ता है कि सियासी अदम इस्तेकाम के नतीजे में आपकी माशी अदम इस्तेकाम सबसे पहले आता है। और ये बात हमने शौकत तरीन के थ्रू बावर भी कराई थी उन मुक्तदर हकीकी तौर पे मुक्तदर हलकों में कि अगर इस तरह की कोई भी मूव अगर कामयाब हुई
तो वो उसके नतीजे में हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि मुल्क के माशी हालात ये हो सकते हैं, और अगर ये नाअहल लोग, कंफ्यूज लोग, जिनको हुकूमत में आने के बाद जिनके पास कोई डिसीजन लेने की पावर नहीं है क्योंकि उनके पास अवामी एतमाद नहीं है, अगर वो वजीर आजम यहाँ पे होता कि जिसके पास अवामी एतमाद होता तो ये फैसले उसके लिए लेना आसान था। और ये जब रजीम चेंज कर रहे थे, एतमाद ला रहे थे, तब भी पता था कि ये मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। ये कोई वो नहीं थी कि कोई बात जिससे उनको पहले से पता ना होता। ये तो हम भी जानते थे कि भाई हमें आने वाले बजट से पहले मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। तो ये कह देना कि जी उनके आने से हम अपने, देखिए हमारे जलसों से क्या अपने से काम आ रहा है कि अगर डॉलर कंट्रोल आप नहीं कर पा रहे तो क्या हमारे जलसों से जो है ना वो मुल्क की मईशत ऐसी की फ्रेजाइल है कि जी अगर हम लॉ तो समझ साहब जलसों से हुकूमत भी तो नहीं जाएगी ना सर, उनके सर पे भी तो जू नहीं रहेगी। हमने जलसों से हुकूमत कभी कराई भी नहीं और जलसों से हुकूमत जाया भी नहीं करती। जलसे जो होते हैं वो अपनी जो आपको अवामी कुवत होती है उसका इजहार होता है, वो तो एक उससे जलसे वो नहीं होता जलसों का, तो ये तो सियासी एक्टिविटी है ना, हम एक्सरसाइज वो करते हैं। चले चले ये हमारे आके जी 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 ये बताइएगा समझ साहब, कबूल करेंगे कि पौने चार साल का अरसा मिला आपको और आवाम ने आप पर एतमाद किया तो आप चीनी भी सस्ती ना कर पाए, आवाम को रिलीफ भी ना दे पाए, पेट्रोल भी 150 तक आप ले आए, हालांकि आज आपको जो सब्सिडी देकर गए उसको आवाम फिर मिस कर रही है, लेकिन आप तो बारूदी सुरंग बिछा गए मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं, तो आप क्या जवाब दे हैं कि आपके वो जो पौने चार साल थे आप उस पर मुतमईन है कि हमने बहुत अच्छा किया, परफॉर्मेंस की तो बात नहीं करते आप लोग। देखिए साजिद, आप अगर मुश्ता इस्माइल का बजट पेश करेंगे, अगर आपने उनको रिप्रेजेंट करना है तो एक और बात है। बात यह है कि अगर महंगाई हो रही थी कि जो कि एक इंटरनेशनल फैक्टर है, वो पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, आप मस्बत पहलुओं में भी जो इंडिकेटर्स हैं उसके इकोनॉमी के आप उस पर भी गौर करें कि चले कुछ मस्बत भी था। प्राइस हाइक्स तो इंटरनेशनली हो रही है, ये हमारा मसला जो है वो डॉलर का है, लेकिन बावजूद इसके ये तो फैसला आवाम ने करना था कि भाई अगले इलेक्शन में या जो इलेक्शन आएंगे उसमें वो वोट या वो उनके लिए महंगाई इशू है या उनके लिए जरूरी साजिश इशू है वो तरीके से आपको वोट देते हैं या नहीं देते हैं। ये तो आपने अगर पिछले 15 सालों में ये रिवायत बरकरार रखी थी कि जी 5 साल एक जो टेन्योर है जमहूरियत चलनी चाहिए और एक असेंबली टेन्योर पूरा करे, ये कि जमात को आपने 5-5 साल का मौका दिया है तो थोड़ा सा सफर कर लेते, यही बात सफर करके आता हूँ आपके पास। तो क्या समझ साहब न्यूट्रल्स तो बाजार ऐसा लग रहा है कि वो हुकूमत के साथ हैं और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन उनको हर आने वाली हुकूमत का साथ देना है, ऐसा ही है? देखिए उनको कहीं भी ये नहीं है कि उनको आने वाली हर हुकूमत का साथ देना है, वो एक रियासती दार है, उसको रियासत के साथ खड़ा होना है और रियासत के तहत उन्होंने अगर वो न्यूट्रल होने का पाकिस्तान में फैसला कर लिया है तो अब आप तो खान साहब का भी यही मुताबिक है कि आप इस सिचुएशन में भी न्यूट्रल ही रहे हैं और आइंदा आने वाले वक्त में भी न्यूट्रल ही रहे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये उस न्यूट्रलिटी का इन्होंने अल्प उठाया हुआ है। तो या तो एक किरदार शुरू से ना हो, और अगर आपने वो शुरू से किरदार रहा है, अगर उन्होंने किरदार जो अदा करने का फैसला किया कि जी उसे वो कर गए हैं कि इस बात से कन्विक्टेड है कि जी अब से हम सियासी मामला में मुदाखलत नहीं करेंगे तो ना करें सियासी मुदाखलत, लेकिन वो ये नहीं कि आज करें और कल जो है ना वो सूटेबल हो और उनको वो फिर कल करना शुरू करते हैं। उनसे तो कोई भी जमात जो है उनका यही मुतालबा होना चाहिए कि भाई उनका जो कोई भी सियासी किसी किस्म का सियासी रोल नहीं होना। और ये भी साथ में सर अगर आप बोल दें कि कोई सियासतदान भी कोई रवाबित उनसे कायम नहीं करेगा। देखिए ये हमारी ये अलमिया रहा है हमारे सियासतदानों का कि जब भी कोई इस तरह के क्राइसिस आते इनमें कोई क्राइसिस को रिजॉल्व करने की कैपेबिलिटी नहीं है, ये हमेशा उनको दावत देते हैं, ये गेट नंबर 4 पे भी जाते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, उनको मजबूर करते हैं कि जी वो लोग आए और वो लोग आके इसको रिजॉल्व करें। जब आप एक थर्ड पार्टी को दावत देंगे तो ये सियासतदानों की नाअहली है। पहले तो सियासतदान अपने सफों में एतराज पैदा करेंगे जी वो इस बात पे कायल होंगे जी हम कल को किसी को दावत नहीं देंगे, हम ना परवेज मुशर्रफ को दावत देंगे ना उस तरीके से जो जाऊला कहेगा तो ये केपीके से सूजी का हलवा खत्म हो जाएगा और नवाजी मुशर्रफ आएगा तो मिठाइयां खत्म हो जाएंगी, ये तो अपनी मंजी तले डांग फेरने वाली बात होती है ना कि पहले तो अपने घर को दुरुस्त करें। ठीक है
ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल समद याकूब साहब, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ पेश किया। अब आ जाते हैं रफीक सुलेमान साहब, कुछ सोशल सरगर्मियों पे हमने देखा है कि कराची, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ये सिलसिला चल रहा था लेकिन कराची हब है, और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ आप और बहुत सारी एसोसिएशन और बहुत सारे बिजनेसमैन का इस पे बड़ा, मतलब कहें कि उनका इसमें उन्होंने वैल्यू ऐड की है, तो किस किन 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 जगहों पर आप लोग वैल्यू ऐड कर रहे हैं, अपनी किन किन जगहों से मुंसलिक हैं और सोशल सरगर्मियाँ आप लोगों की कैसी जा रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारा, मैं खुद सैलानी वेलफेयर जो नाम जो है बड़ा मशहूर नाम है, कोई मोहताज नहीं है इसके तारुफ का, उसका मैं बोर्ड मेंबर हूं, और हम वहां पे इस दफा जो काम करने के लिए जा रहे हैं वो मैं समझता हूं कि हमारी कंट्री के अंदर एक बहुत बड़ा रेगुलेशन आ जाएगा। मौलाना हजरत फारूकी साहब हमारे चेयरमैन है, हमारे पैटर्न है वहाँ के और फाउंडर हैं, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के कहा कि भाई पाकिस्तान का कर्जा हम उतारेंगे। माशाल्लाह, तो लोगों ने कहा कि ये कैसी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने करके दिखा दिया। अभी लास्ट जो हमारे आईटी के पेपर्स थे वो हमने नेशनल स्टेडियम में करवाए थे जिसमें 25,000 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था उसका। तो ये एक रेवोल्यूशन है जिससे हमारा मुल्क बेहतर हो सकता है। पूरी दुनिया आईटी पे लगी हुई है और हम थोड़े से पीछे हैं, थोड़े से नहीं बल्कि बिल्कुल पीछे हैं, और ये हमारा इदारा सैलानी वेलफेयर का इदारा, इसने ये जिम्मा उठाया है कि भाई हम एक एक बंदे को अच्छी तालीम देंगे। और आप यकीन करें, जब हमारे पास बैच आता है, फॉर एग्जाम्पल 100 हमारे पास स्टूडेंट्स का बैच आता है जिसका एक साल का कोर्स होता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ऑनली, तो 3 महीने के अंदर जो है ना हमारे पास 30 बच्चे निकल जाते हैं क्योंकि उनको तनख्वाह मिल जाती है कहीं से 40-50 हजार रुपए की नौकरी मिल जाती है। और आप लोग जॉब भी लगवाते हैं? जी बिल्कुल, आखिर के अंदर, आखिर में हम ये भी करते हैं। फिर उसके दूसरे 3 महीने के अंदर हमारे पास 25-30 लड़के और कम हो जाते हैं, 25% और पब्लिक कम हो जाती है, हमारे पास स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं। हम पूछते हैं क्या हुआ, कहते हैं हमें 70-80 हजार रुपए की नौकरी मिल रही है, हम वहां चले गए। तो फाइनली जब हमारे पास 20-25-30% हमारे पास स्टूडेंट निकलता है तो उसके पास 1.5-2 लाख रुपए की नौकरी हमारी सर्टिफिकेट के साथ तैयार होती है। और हमारे यहाँ पे हमने इंटरव्यूज भी किए उस स्टूडेंट के जिन्होंने तालीम हासिल की, दे आर अर्निंग मंथली $8,000-$10,000 इजीली, 8,000-10,000 बच्चे बना रहे हैं और वो डॉलर पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो ये एक हमने जिम्मेदारी ली हुई है। इसके अलावा हमारा सैलानी जो है वो काफी बड़ा काम करता है। आपने देखा होगा जब कोविड थी तो हमने बेहिसाब, हमने तकरीबन 3 अरब रुपए का राशन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। हमें गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर थी कि आप हमारा राशन डिस्ट्रीब्यूट करो, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से थी, गवर्नर साहब ने बुला के बोला, मगर हमने उनका राशन नहीं लिया, हमने बोला नहीं हम अपनी मदद आप जगह बता दें, हम उनको जाके राशन दे आते हैं। तो ये हमने हुकूमत की भी जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी हुकूमत में उसके बाद इमरान खान साहब ने हमारे बशीर फारूकी साहब को बुला के लंगर खाने खुलवाए, तो उस पर भी लोगों ने बड़े एतराजात किए। लोगों ने कहा लंगर खाने आप खुलवा रहे हो तो फैक्ट्री क्यों नहीं खुलवा रहे? तो हम कहते हैं भाई आप फैक्ट्री आप खोलो। फैक्ट्री को खोलने के अंदर बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत बड़े पैसे चाहिए, बहुत बड़ा बिजनेसमैन चाहिए, और यहाँ पे लंगर खाने के अंदर एक बंदा बेचारा मजदूर आदमी है, वो खाना खा के चले जाता है तो उसके 150-200 रुपए उसका मील का बच जाता है जो कि आपको फौरन मिल जाता है। तो ये हमारी कोशिशें जारी हैं। हम अभी भी जो लंगर खाने हमारे खुले हैं उसके अंदर मैं आपको बताता चलूं कि उसमें सैलानी ही खिलाता है। अच्छा, उसमें गवर्नमेंट के पैसे एक भी उसके अंदर पैसा नहीं होता। हम अपनी मदद, आप हाँ जगह वगैरह उन्होंने प्रोवाइड करके कुछ जगहों पर दी हुई है, ठीक है, बाकी हमारे सैलानी खाना भी खिला रहा होता है और हम एजुकेशन के पैसे भी दे रहे होते हैं। हमारे स्कूल भी चल रहे हैं जिसमें कन्वेंशन तालीम भी दी जा रही है, इस्लामिक तालीम भी दी जा रही है। हमारे पास जो गरीब आदमी के पास यूटिलिटी के बिल्स के पैसे नहीं होते, हम उसके भी स्कूटनी करके उसके पैसे भरते हैं। हमारे पास कुछ औरतें हैं बिचारी लड़कियां जवान जिनकी शादियां। रफीक सलमान साहब, कितने लोग मुस्तफीद हो रहे हैं आप सैलानी से? लाखों की तादाद के अंदर। हम 3 लाख अफराद को तो रोजाना हम खाना खिलाते हैं, एवरीडे, ऑल पाकिस्तान। तो उसके अंदर लोगों को फायदा तो बहुत हो रहा है। इसके अलावा हम लोग स्किल्स भी दे रहे हैं लोगों को और अपने पास से पैसे भी दे रहे हैं उनको कि भाई आप आओ, अगर आपके पास वक्त है आपको हम पैसे भी दे रहे हैं, आप सीखें और सीखने के बाद हमसे सर्टिफिकेट लेके आप अपनी मदद, आप अपना रोजगार कमाएं। ये देखें बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन है, ये एक इतना बड़ा इंसानियत के लिए हम काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमसे काम करवा रहा है। और इसमें नो डाउट कि हमारे बशीर फारूकी साहब दिन रात उसके अंदर सोच रहे हैं। अभी भी आपने देखा, आज भी उन्होंने रोटी बचाने की मुहिम निकाली है, उन्होंने एड्रेस किया है पाकिस्तानी आवाम को कि आप रोटी बचाएं, शादियों के अंदर खाना थोड़ा सा अपना
कम कर दे, अनाज को जाया ना करें। इससे पहले परसों एक उन्होंने क्लिप निकाली कि जो अभी हॉलीडेज आ रहे हैं स्कूल्स के जून जुलाई के, आपको मालूम है, तो उन्होंने पब्लिक से रिक्वेस्ट की है कि आप अपना फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाके जाया ना करें, घूमने जाना है आपको, आप पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, स्विट्जरलैंड से अच्छा हमारा पाकिस्तान है, हर चीज अल्लाह पाक ने यहाँ पे दी हुई है, तो आप वहां पे जाएं ताकि वहां पे भी गरीब आवाम को पैसा आपके पास जो पैसा शिफ्ट होगा वहां पे, तो वहां पे भी एक इकोनॉमी हमारी अच्छी हो जाएगी और वहां के लोग को भी फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात है, जो इस वक्त हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारे पास डॉलर मुल्क में बिल्कुल भी नहीं है, हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि हम बाहर जाके कोई विजिट करें अपना फॉरेन एंजॉयमेंट का, हम अपना ट्रिप लगाएं, तो मैं नहीं समझता कि ये हमको करना चाहिए। बशीर फारूकी साहब ने बहुत अच्छा मशवरा दिया है पाकिस्तानी कौम को, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप उसके ऊपर अमल करें। ऐसे ही बशीर फारूकी साहब या रफीक सुलेमान साहब और आप जैसी जितनी भी शख्सियात हैं, आप मुहिब वतन लोग हैं और कई अवार्ड और कई तमगों से आपको ये कौम नवाजती है। टीम तुम से है पाकिस्तान के लिए भी मैं चाहूंगा कि चंद अल्फाज, कई सालों से हम एवरी ईयर बड़ा अवार्ड प्रोग्राम करते हैं और कोशिश होती है कि अच्छे लोगों को और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज पर हम अपना हिस्सा डालें, कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, ये जो आपका तुमसे है पाकिस्तान, ये एक मैं समझता हूँ कि अप्रिसिएशन लोगों को मिलती है इससे। और लास्ट टाइम आपने जो अवार्ड किया था, मैं खुद उसमें आया था, तो मैंने देखा कि आपने बिल्कुल लोग जो जेन्युइन है, जो काम कर रहे हैं, उनको आपने अवार्ड्स दिए। देखिए, अवार्ड की कीमत कुछ भी नहीं होती, बात ये होती है कि आप किसी को इज्जत देते हैं और उसके दिल में जगह बन जाती है, और इज्जत की कोई कीमत नहीं है। तो ये आपके अवार्ड से लोगों के अंदर बहुत सारा एक डेवलपमेंट आती है, उनके यहाँ काम करने के लिए जज्बा बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है, काम हमें याद रख रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। देखे ना, ये आप एक छोटा, आपने ये इनिशिएटिव लिया है, दिखने में बदायर छोटा है, मगर मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। हम भी एक्सपोर्ट ट्रॉफियां करवाते हैं अपनी एसोसिएशन के अंदर, जब किसी एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट ट्रॉफी मिलती है तो बड़ा खुश होता है, पिक्चर्स होती है डिग्निटरीज के साथ, फिर अपने वेबसाइट के ऊपर लगाता है और फिर वो अपने खानदान में दिखाता है, हर जगह उसकी पजीराई हो रही होती है और फिर आने वाली नस्लें उससे सीख रही होती है मैंने ऐसा बनना है। एग्जैक्टली, और फिर दुनिया जानती है उसको, फिर उनके आगे अल्लाह पाक रास्ते भी खोल देता है और उनको बहुत तरक्की मिलती है। और आपको मालूम है, अगर आप किसी इंसान का काम कर रहे हैं, किसी मखलूक का, अल्लाह की मखलूक का काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला राजी होता है, अल्लाह आपके हाथ में और पावर दे देता है कि बंदे तू ले और दो नहीं चार की मदद कर, तो इससे आपको भी एक बूस्ट मिलता है, सोसाइटी के अंदर मिलता है, दिल में जज्बा पैदा होता है, अल्लाह के साथ आपका थोड़ा जुड़ने का मौका मिलता है। और फिर आपको मालूम है, जो शख्स अल्लाह के साथ जुड़ जाता है तो अल्लाह उसका साथ तो नहीं छोड़ता। बहुत अच्छी बात की आपने, और इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे और अपने हिस्से का काम हमने मुल्क के लिए ज़रूर करना है, चाहे आप जॉब करके घर आते हैं या आप ताजिर हैं या आप पॉलिटिशियन हैं, एक टाइम या एक काम मुल्क के लिए भी ज़रूर करना है कि हमने गुजर जाना है इस दुनिया से, लेकिन कौम हमें याद रखे और इसी तरह ही कौमें जिंदा शादो आबाद रहती है। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।